ओके बेटा, कंटिन्यू वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर एफ, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर एफ। ठीक है, तो ये 6.7 जैसे क्या वैसे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये 6 × 7.4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 44.4 आता है। ये 24 − 11, ठीक है, 13 + 22 35 हो गया, और 8 × 2 जाइए 16, और ये जैसे क्या वैसे इसका स्क्वायर 3.84, ये 3.84 × 3.84। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से देखिए इधर में, अब मैं जैसे ये 3.84 को 6.7 से डिवाइड करूँगा तो 0.557। ठीक है, तो यहाँ पर 0.57 और 3.84 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो हमको मिलता है 2.18, और ये एज इट इज़ जैसे के वैसे। फिर 44.4 को 2.18 से डिवाइड करेंगे तो 20.36 × 10⁻¹⁹, मतलब 16 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻¹⁹, मतलब 35 − 16 हो जाएगा, तो ये 19 होता है। तो डिवाइड करने पर फोर्स का वैल्यू मिलता है हमको, ग्रेविटेशनल फोर्स 20.36। ठीक है, अब 20.36 को अगर पावर में लिखना है, ये भी आंसर करेक्ट है, या एक पावर बढ़ा के इसमें से हम लोग इस पॉइंट को इधर लेकर जा सकते हैं ना, तो ये 2.0 × 10⁻²⁰, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों साइड से आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो।